छिन कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन बीती उम्र आशा से गिन गिन मूक बधिर धित राष्ट्र सरी के भूत भविष्य के नेत्र अंतर मन में धधक रहा है शोदा, उसने मेरे आज के जख्मों को ही नहीं कुरेदा। मेरी मरी हुई माँ की इज्जत पर कीचड़ फेंका उसने। उसकी इस घिनौनी हरकत का जवाब देने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा। साहब, वो विश्वजीत अभिजीत साहब के लड़के को मार देगा। वो दरिया किनारे किश्ती वाले घाट की ओर जाएगा। शोदा, ये लो। ये क्या? मेरे नए काम की पहली कमाई। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे पास आते। अरे मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता। क्यों तूने अपराजित को मारा? हाँ जुगनू, तुमने अपने धंधे के अलग अलग लोगों से मिलवा भी दिया और उनके अलग अलग काम भी समझा दिए। हाँ, एक और बात समझ लो, ये सब लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कभी कभी एक आदमी का काम दूसरा संभाल लेता है। हर आदमी को हर दूसरे आदमी का किरदार निभाना आना चाहिए। मतलब ये कि इस धंधे की जितनी जिम्मेवारी सब पर है, उतनी हर एक पर है। हर किसी को दूसरे का बदल बनना पड़ता है। कभी माल सप्लाई करने वाला, कभी थोक कारोबारी और कभी रिटेल वाला। मतलब किसी के होने ना होने से ये धंधा रुकना नहीं चाहिए। ये ब्रह्मपुत्र की धारा बहती रहनी चाहिए, ताकि जब जो चाहे इस बहती गंगा में हाथ धो ले। कब से इस धंधे में? बस ये समझ लो मुकुंद, कि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में मेरी जिंदगी खुद ही खिलौना बन कर रहेगी। मतलब बचपन से? हाँ मुकुंद, जब मैं 10 साल का था तभी मेरे सिर से माँ का साया उड़ गया। हो, खाने को रोटी ज्यादा, मार मिलती, ताने मिलते, झिड़कियां मिलती। और अब्बा? अब्बा तो आसाम में चाय की दुकान पर इतना व्यस्त रहते, बहुत कम छुट्टी मिल पाती थी अब्बा को। बस एक दिन छुट्टी पर घर आए और मुझे अपने साथ आसाम ले जाने का फैसला कर लिया। आसाम के 5 अली घाट पर बाबा के सेठ कृष्णा लोहान की दुकान थी। बाबा ने मुझे अपने सेठ से मिलवाया। सेठ कृष्णा लोहान ने मुझे छोटी उम्र देखकर घर के काम के लिए रख लिया। बाबा अपनी सारी जिम्मेदारी सेठ पर डालकर चले गए। महीने बाद तनख्वाह लेने आ जाते थे, पर तनख्वाह लेकर चले जाते और सारी तनख्वाह जाकर कंचन के पैरों में डाल देते। नेपालन के आंसुओं ने बाबा को पिघला दिया और उसी नेपालन को लेकर एक दिन बाबा भाग गए। तब से मैं माईजान में रहकर ही पला बड़ा। साथ के सब लोग नाव खेने का काम करते थे, सो मैं भी इस लाइन में आ गया। दुख हुआ तुम्हारे बारे में जानकर। अच्छा जुगनू, अभी बशीर भाई और देवता भाई को मिलना था, चलते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हैं। वाह, कल रात से कुछ खाया नहीं, बस ज़्यादा पीकर सो गए ऐसे ही बस। दादा, क्यों अपने शरीर पर जुल्म कर रहे हो? वैसे भी शराब का ज़्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक है। हमें तो कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई। हम तो कभी डॉक्टर के दर पर फटके तक नहीं। क्या बात है दादा, आज मूड बड़ा खुश मिजाज आपका। हाँ, परसों इरशाद भाई आने वाले हैं, मैं तुम्हें उन्हें मिलाने ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सारा काम समझना पड़ेगा। मान लो बीच में ये ब्रह्मपुत्र है, इसके इस तरफ उत्तरी किनारा है और इधर तेरी तरफ है दक्षिणी किनारा। ये जगह जहाँ हम खड़े हैं यानी 5 आली, यहाँ से उत्तर की तरफ बहुत सुंदर सुंदर से टापू हैं। इनके नाम भी बहुत सुंदर हैं, जैसे हाइठा, बिरना, पशुकाटा, धनवर, निमाती, उलूमारा, रुदाली चापरी। ये कुल मिलाकर 8 हैं। ये टापू हमारे आराम और मस्ती करने की जगह है। यहाँ हम शिकार भी खेलते हैं और मुसीबत पड़ने पर अपना माल भी छुपा सकते हैं। शुक्रिया बशीर भाई। ये लो। लोग बाग समझते हैं कि हम बुरा काम करते हैं, लेकिन मैंने तो जिंदगी भर लोगों का भला ही किया है। उस अल्लाह की कुदरत को सराहा है, उसे प्यार किया है,
उसको देखकर खुश हुआ हूँ। अब बता दो इसमें क्या बुरा है? अच्छा चल छोड़, देख इन सभी गांव तक हमारा माल चला जाता है। ये सब गांव ब्रह्मपुत्र से बराबर की दूरी पर नहीं है। ये ढकुआ खाना, ये जोनाई, ये सब जगह इरशाद भाई के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सोने की खाने हैं। इसका कारण जानता है? नहीं दादा। लोग हताश हो चुके हैं, कुछ कश्मकश में जी रहे हैं, कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं इसलिए भी नशे की मांग करते हैं। इंसान की इन्हीं कमजोरियों के कारण नशीली वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ गई है और सरकार है कि ये समझ ही नहीं पाती। तभी तो प्रोहिबिशन लागू होने की वजह से स्मगलर राजा बन गए हैं। आप इसी को ले लो, नए बाजार के मल्या साहा को। जानते हो मणिपुर से इस टाउन में कितना गांजा लाता है हर हफ्ते? एक पूरे का पूरा ट्रक भर कर लाता है। इतने नशेबाज पैदा हो गए हैं, ये ना तो अखबार टीवी वालों को पता है और ना ही डिप्टी कमिश्नर को। क्या है कि सरकार लोगों को नशा करने से रोकना चाहती है और स्मगलर ऐसा करने नहीं दे रहे, बस इतनी सी बात है मुकुंद। तो बता मुकुंद, तेरे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है, तू इरशाद भाई जैसा बनना चाहेगा या एक फालतू चौकीदार? दादा सोचता हूँ एक बार यशोदा से पूछ ही लूँ। मेरे ख्याल से औरत का हाजमा जरा कमजोर होता है, अब यशोदा का कैसा है ये तो तू ही बता सकता है। मुझे लगता है तुझे यशोदा से छुपाना ही पड़ेगा। पर दादा कब तक छुपा पाऊंगा मैं? एक ना एक दिन तो वो पकड़ ही लेगी ना। तो बोल देना कि मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अगर इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार डालेंगे। इसी तरह मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस धंधे में नहीं आओगे तो कोई और आ जाएगा। ये धंधा यूं ही चलता रहेगा, फिर कोई और तुम पर रौब जमाता फिरेगा। मेरी मान, परसों मन से तैयार होकर आ जाना। हाँ मुकुंद, तुझे तेरे भविष्य के ऑफिस के दीदार करवा दूँ। करता था शराब पीकर, वो अक्सर नन्हे इरशाद को कभी किसी की नौकरी ना करने की नसीहत दिया करता था। एक रात यही नसीहत देते देते नशे में धुत
ऐसा सोया कि फिर कभी नहीं उठा। बेचारा इरशाद ब्रह्मपुत्र के किनारे यात्रियों के लिए पान बीड़ी का खोखा लगाकर गुजर बसर करने को मजबूर हो गया। यहीं पर इरशाद एक दिन अफीम के स्मगलर रघुवीर सिंह से टकरा गया। रघुवीर सिंह के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। वो भागता हुआ इरशाद के खोखे पर आया और एक बैग उसे थमाकर बोला कि इसे हीराबाई को देकर आओ। हीराबाई का नाम सुनते ही लोग बाग तुम्हें उसके घर तक छोड़ने जाएंगे। इतना कहकर रघुवीर सिंह तो भाग गया और इरशाद खान वो बैग लेकर सीधा पहुंच गया हीराबाई के आंगन में। क्यों रे शामू के बच्चे, तो ये चोर पुलिस का खेल क्यों खेल रहा है मेरे साथ? हाँ पता, तू यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा बिना पैसे दिए और मैं तुझे को छोड़ दूंगी। चल चल, पैसे निकाल, चल। क्या करूँ हीरा भाई, जेबें खाली हैं, मुंह तो छिपाना ही पड़ेगा ना। पुलिस चोर को छोड़ सकती है मगर ये हीरा भाई कर्ज लेने वालों के पेट से भी अतड़ियां निकाल लेती है, समझ आई? चल तेरी दाएं जेब से पैसे निकाल। राम कसम एक रुपया भी नहीं है। अरे हमें सब मालूम है, तू ठेकेदार से माल वसूली करके आया, समझा? चल निकाल। ए भगवान, तुम तो नोटों की सुगंध दूर से ही सूंघ लेते हो। पूरे 5,000 हैं। अरे वाह, बिना गिने ही आंक लिया। नोटों के लेन देन का पुराना अनुभव है, बाहर से ही रोकड़े का पता चल जाता है। ठीक है चलता हूँ। अबे रुक, खाली हाथ किधर चला? घर पे जाके पत्नी की मार खाएगा क्या? तो और क्या करूँ? अरे हाथ जोड़ हीरा भाई के, समझा? ये ले 1,000 रुपये, तू तो मार खा लेगा, छोटे बच्चे को क्या खिलाएगा? छोटे बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, दूध के लिए दे रही हूँ। तेरा बच्चा होता तो जुग जुग जीने की दुआ देता उसको। अरे गधे, दुआ देनी है तो दुआ दे कि मेरी गोद भर जाए। अबे ये कौन टपका? तू चल इधर आ। अबे ये क्या तरीका हुआ किसी के घर में घुसने का? हाँ ये बैग आपको देने के लिए कहा था। रघुवीर कहाँ है? अच्छा तो रघुवीर था वो लंबा चौड़ा गोरा आदमी। हाँ हाँ, पर है कहाँ? उसके पीछे लोग पड़े थे, बैग आप तक पहुंचाना है कहकर भाग गया। वो कह रहा था कि कुछ दिनों बाद लौटेगा। वही होंगे हरामी अब्दुल्ला के आदमी। जानता है इसमें क्या है? नहीं। जानता है कितने हैं? नहीं। पूरे 500,000 हैं। ये ले 1,000 रुपये, अपनी माँ को दे देना। माँ नहीं है। ओ तो बाप को दे देना। वो भी नहीं है। है अल्लाह, इतने छोटे से बच्चे पे इतना जुल्म, क्या करते हो? दरिया किनारे लोगों को बीड़ी सिगरेट बेचता हूँ। कहाँ रहते हो? बस वही खोके में सो जाता हूँ। हाय अल्लाह, चल मेरे साथ चल। तू यहाँ बैठ। इस तरफ से कौन आया? मैं अभी आती हूँ, तू यहीं रुक। अरे तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे। हाँ लेकिन इस बार पैसे ज्यादा थे, सोचा पता कर लूँ पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। हाँ हाँ पहुँच गए हैं और लाने वाला भी यही है। तू तो बड़ा तेज निकला रे छोटू। हीरा इनाम दे इसको। ले ही नहीं रहा, कितनी बार बोला है उसको, बेचारे के माँ बाप नहीं है, अकेला है, खोखा चलाता है, उसी से गुजारा करता है, क्यों ना इसे हम अपने पास ही रख लें? क्यों छोटू, रहेगा हमारे पास? तुम इतने दिन गायब रहते हो, मैं यहाँ अकेली पड़ जाती हूँ और ये बेचारा क्या बोलेगा। इसीलिए मैंने इसके लिए कुछ सोचा है। अल्लाह से दुआ मांग रही थी गोद भरने की, जब ये टपका वहां से तो बेटा ही हुआ ना, क्यों ना हम इसे गोद ले लें? तुम ठीक कहते हो हीरा, ये सचमुच का हीरा है और स्वाभिमानी भी।
भाई इससे पूछ लो, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे बच्चे पैदा करते हुए कोई पूछता है क्या कि मुन्ना हमारे बेटे बनोगे क्या? पर आज पूछना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? इरशाद। क्यों इरशाद, हमारा बेटा बनेगा? शायद ये भगवान की इच्छा है जो ये सहयोग बन रहा है। क्यों बेटा इरशाद, रहोगे हमारे साथ? जी मैं क्या कह सकता हूँ, पर मेरा खोखा। अब तुझे खोखे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रह, हम करेंगे तेरी देखभाल। तेरी रहमत भी कमाल है अल्लाह, तीनों का कोई रिश्ता नहीं फिर भी एक ही छत के नीचे माँ बाप और बेटा बनकर रहेंगे। हीरा भाई से जितना हो सका उतना उसने इरशाद के लिए करने की भरपूर कोशिश की। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यहाँ तक कि उसे स्कूल में भी दाखिला दिलवाया। बस माँ और नहीं खाया जाता, पेट भर गया। खाना खा के बच्चों का पेट भर जाता है, खिला खिला के माँ का पेट नहीं भरता। थोड़ा सा और खा ले। खा ले बेटा खा ले, वरना मेरे तेरे डांट खानी पड़ेगी। ये जो तेरी माँ है ना, ये किसी को नहीं बख्शती। तुम तो चुप ही रहो, खुद तो तुम्हारा वक्त है नहीं खाने का, उसको भी अपनी तरह ही बनाओगे। हाँ जी हम तो चुप ही हो गए। देख अब तक तो तू बेलगाम इधर उधर मुंह उठाए घूम फिर रहा था, अब ये सब नहीं चलेगा। मुझे माँ का फर्ज निभाने दे। अरे निभा तो लिया, खाना खिला खिला के पेट फाड़ दिया। अरे मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर। मैंने मास्टर जी से बात कर ली है, तुझे स्कूल जाना होगा। इससे तो मेरी 5 सिगरेट की दुकान भली। चल कुछ भी बोलता है, दुकान नहीं अब तो तुझे विद्या की गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। मतलब झक मारनी ही पड़ेगी। हाँ जी झक मारनी ही पड़ेगी, झक मारेगा तो जिंदगी भर ऐश करेगा, वरना मेरी तरह यहाँ से वहां दौड़ता रहेगा। जी रघुवीर दा। अरे आगे तो लो, इसे भी संभाल के रख लो। अब ये माल घर मत लाया करो, बच्चा देखेगा तो क्या सोचेगा? कब तक छुपा के रखो? ठीक है पर ढिंडोरा भी तो नहीं पीट सकते ना। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। इरशाद के भी रंग ढंग ठीक नहीं लगते, स्कूल और पढ़ाई दोनों में ही उसका मन नहीं लगता। अरे नहीं लगता तो क्या किया जा सकता है, जोर जबरदस्ती करने से अपना खून भी घर छोड़ के भाग जाता है। फिर ये तो शुभ शुभ बोलो, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? बरसों के बाद तो मैं माँ बन सकी हूँ, बेकार में दिल धड़का देते हो। वैसे भी ये इरशाद ब्रह्मपुत्र के तट पर दिन भर घूमता रहता है, वहाँ कितना उल्टा सीधा धंधा चलता है तुम तो जानती हो। तो हम भी तो उसे विरासत में उल्टा सीधा धंधा ही दे के जाएंगे ना, और हमारे बाद हमारे बेटे की सुरक्षा और भविष्य का क्या? बुलाओ इरशाद को। इरशाद, ओ इरशाद। जी अम्मी। इरशाद देखो बेटा, हम चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर नेक कमाई करने वाले आदमी बनो। ये पुलिस ये गुंडे रोज रोज की मारधाड़, ना दिन में चैन ना रात में, सपने में कई बार गोलियों से छलनी हुआ हूं मैं, और जब नींद हटती है तो दिमाग में आंधियां सी चलती हैं, और फिर रात भर इस दिल में रह रहकर टीस सी उठती है जो इन गोलियों से भी ज्यादा दर्द देती है। देखिए शायद हम नहीं चाहते तो इस नर्क में पड़े, पहले की बात अलग थी, हम इन हालातों को खेल समझते थे, लेकिन अब तो मिल गया है तो एक चिंता सी होने लगी है तेरे भविष्य को लेकर। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं यतीम, जिसको ना कोई रोकने वाला था और ना कोई टोकने वाला। मैं आपकी हर बात मानूंगा हमेशा, पर मुझसे स्कूल नहीं जाया जाएगा और आप लोगों के साथ बेईमानी मैं कर नहीं सकता। ये ठीक बोल रहे हैं इरशाद। बेटा फिलहाल आप माँ के साथ में पैसे का लेन देन देखो, तब तक हमें एक नंबर का कोई धंधा देखते हैं। बेटा सच पूछो तो हम भी इस जंजाल से निकलना चाहते हैं। अरे हाँ, डुमडुमा में लकड़ी मिल और तेल मिल बिका हुआ है, ये दोनों इरशाद के नाम खरीद लेते हैं। ये ठीक है।
आराम से हैं, देखिए देखिए टीवी ले हैं, आराम से ले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से लेटो हैं, आराम। तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है, बैजू को बुलवा लेते हैं। कोई जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब है, बैजू को बुलाना पड़ेगा। सुनो ना। नहीं नहीं नहीं, बुलवाना पड़ेगा। अरे इरशाद, ओ बेटा इरशाद, जल्दी आ। जी रघुवीर दा। देख बेटा, तेरी माँ उल्टियां कर रही है, हैं? जा बैजू को बुला ला। कोई जरूरत नहीं है इरशाद। इरशाद के अब्बू, तुम्हारी खोपड़ी में इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। सच में? अरे क्या खबर सुनाई है तुमने? जल्दी से जा बेटा, ये ले मिठाई लेके आ। पर हुआ क्या है? अरे परिवार में नया मेंबर आने वाला है। मतलब? अरे भाई मैं बाप बनने वाला हूँ, तू भाई बनने वाला है। क्या अम्मी? सच में? जब जल्दी से जा। सबको लगने लगा था कि अब वो घर खुशियों से भरने वाला था, लेकिन किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी खुशियों के नहीं बल्कि गम के जीवन की शुरुआत थी। रघुवीर ने इरशाद के लिए लकड़ी और तेल की मिल खरीद ली थी और जी जान से काम करने लगा था, लेकिन काली दुनिया के सरगना और रघुवीर के कट्टर दुश्मन अब्दुल्ला ने एक दिन मौका पाते ही रघुवीर को कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद हीरा बाई एक मरे हुए बच्चे को जन्म देकर खुद भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो दादा उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इरशाद ने रघुवीर के कानूनी और गैर कानूनी सभी बिजनेस संभाल लिए। सबसे पहले उसने अपने मुंह बोले बाप के खूनियों के खून से अपने हाथ रंगे। एक बहुत बड़े स्मगलर का मर्डर करने के बाद इरशाद की इज्जत अफीम की स्मगलिंग की दुनिया में बहुत बढ़ गई, उसका कद भी ऊंचा हुआ और आज इरशाद उत्तरी असम की अफीम की स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है। राष्ट्र